वो तो बोल नहीं सकते किसी से कि मुझे खाना दो, वो तो बेजुबान है, उनकी आवाज़ को हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जब चिल्लाते थे तो महसूस होता था कि कुछ है, तो मैं ऐसा किया मैम। नमस्कार, मैं हूं कविता। दया करना प्रेम एक ऐसा भाव है जो इंसान को इंसान बनाता है, और अगर ये भाव वर्दी में हो तो क्या कहने को, उसी वर्दी में इंसानियत दिखाएंगे। मिलवाएंगे हम ऐसे शख्स से जो लॉकडाउन में जानवरों की पीड़ा समझते हुए उनको खाना खिलाने का काम कर रहे थे, अब वहाँ आज हम उन्हीं से आपका परिचय करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इंसान दया भाव रखे और जानवरों की भूख पीड़ा भी समझे। आइए हम मिलवाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश पटेल है। सर यहाँ पे आप किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर आरक्षक के पद पर हूँ। अच्छा सर, कब से आपने ये काम चालू किया? ये काम तो मैं लॉकडाउन अभी चल रहा था उसी समय से चालू किया, 15-16 अप्रैल के आसपास चालू किया, 9 अप्रैल से यहाँ पर लॉकडाउन था। सर आपके अंदर ऐसा क्या, मतलब आपको क्या ऐसा समझ में आया कि आपने प्रभावित होकर फिर आपने जानवरों को खाना खिलाना चालू किया, जो आप बंदरों को खाना खिलाते हैं, वो उसका कारण क्या है? जी मैम, यहाँ पर तो श्रद्धालु आते हैं, बंदर तो यहाँ 400-500 हैं कम से कम, श्रद्धालुओं का आना बंद हो गया, और उस दरमियान बंदर रात रात भर रोना चालू कर दिए। उनका उस समय बच्चा देने का सीजन चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं देखा कि अब ये कहाँ से इनको भोजन मिलेगा, दर्शनार्थी आ नहीं रहे हैं, फिर किसी से बोला लेकिन वो लोग भी सहयोग नहीं किए। फिर मैं अपने से कुछ मैंने इधर उधर मुर्रा उर्रा खरीद के, शुरू में तो थोड़ा कम खरीदता था, 4-5-6 किलो ऐसे खिलाता था, खीरा उरा लाता था। इसके बाद फिर मात्रा उनका बढ़ाया, उतना में नहीं हो रहा था उनको, तो फिर मात्रा बढ़ाया, कभी टमाटर, कभी खीरा, कभी मकई, कभी तरबूज, ये सब उनका व्यवस्था करता हूँ। अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है, आम केला ये सब अभी दे रहे हैं उनको। तो सर आप प्रतिदिन लगभग कितने का खाना खिलाते हैं बंदरों को? उसका तो मैं कोई हिसाब नहीं रखता हूँ मैम, बिना हिसाब का है वो, कोई हिसाब नहीं रखता हूँ। अच्छा। यह है कि मेरे को वहाँ से फिर यहाँ एडिशनल साहब आए थे, फिर उनको पता चला कि ऐसे हो रहा है, यहाँ बंदर भूखे मर रहे हैं, फिर हमको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से भी सहयोग राशि मिला 3,000 का, वहाँ अखिलेश सर बुला करके दिए हैं, और उसका भी सहयोग राशि में लगा दिया हूँ, जितने भी है अभी, बाकी कोई हिसाब नहीं चलता है। अच्छा। ट्रस्ट की तरफ से भी मिला है मुझे 2,000, और बाकी का जो ये बंदरों को खाना खिलाने के लिए जो आप खरीद के लाते हैं फल फूल, वो आप बाकी का पैसा खुद से लगाते हैं या फिर आपके और जो सहयोगी हैं, साथी हैं, आपके वो भी मदद करते हैं? मैं स्वयं से लगाता हूँ, कुछ लोग हैं जो सहयोगी हैं जो करते हैं। बाकी आप जी? खुद के? हाँ, मैं पैसा उनसे नहीं लेता, बाकी बोलता हूँ स्वयं जाइए, स्वयं खिलाइए। अच्छा। पैसा हमको मत दीजिए आप। अच्छा, तो यहाँ आप लगभग कितने बंदरों को रोज खाना खिलाते हैं? तो यहाँ 450 बंदर होंगे मैम अभी, और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं तो बढ़ गए होंगे। तो ये जैसे आपने जब ये काम शुरू किया तब कितने बंदर आपके पास आते थे? करीब 300-400 बंदर रहते थे। अच्छा जी। उसी शुरुआत से ही? जी। और आप उनको कैसे बुलाते हैं, क्या अब आप वो आपकी आवाज़ पहचानते हैं? तो अब तो पहचान गए हैं मैम, क्योंकि आया करके उनको आओ आओ करके बुला देता हूँ तो झूमट जाते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, खाने के लिए? जी। और शुरुआत में कैसे किए आप ये? शुरुआत में तो हमेशा यहाँ तो मैं रहता ही हूँ, माता का सेवा करता हूँ, माई का दर्शन भी करता हूँ, हमेशा यहाँ रहता ही हूँ, तो बंदर को तो हमेशा देखता हूँ, बीच बीच में कभी कभी ले जाते थे, लेकिन दर्शनार्थी आते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं था। जब उनकी दिक्कतों को मैं तो रोज चढ़ता था, लॉकडाउन रहता था, इसके बाद भी मेरी ड्यूटी वहाँ रहती थी तो मैं तो रोज जाता था। हाँ। है ना? हाँ। और नहीं भी रहती है इसके बाद भी मैं जाता हूँ, पर माई का दर्शन करना मेरा अनिवार्य है, मुझे माई का ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं चौकी कुदरगढ़ में पदस्थ हूँ। तो सर ये बताइए कि जैसे जब आप किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं या यहाँ पे नहीं है जी, उस समय में आपके जगह पे कौन खाना खिलाता था? वहाँ पर मैं यहाँ से सब व्यवस्था करके जाता था, दुकान वाले को बोल के गया था कि जितना कभी मुर्रा निकलेगा यहाँ से मुर्रा देना उनको। ट्रस्ट के लोग जैसे हैं दो तीन लोग यहाँ पर, जैसे दिनेश ठाकुर रहता था, जसवाल रहता था, और मेरे मुंशी जी भी रहते थे कभी कभी, उनको जो रूम मेरे साथ में रहते हैं, वो सब लोग सहयोग करके खिलाते थे जब मैं नहीं रहता था। तो इस चीज़ के लिए आपको सराहा गया आपके टीम से? जी बहुत सराहा गया, अभी तो बहुत हर जगह से मिल रहा है सराहना। हाँ। मैं बोला मेरा फर्ज है, मुझे करना ही आवश्यक था।
मतलब आपको आपके आपको आपके तारीफ की नहीं चिंता थी? ये तारीफ मेरे को नहीं चाहिए। हाँ। मैं माई का सेवा कर रहा हूँ, बंदर भूखे मर रहे थे, वो भी भगवान हैं, हनुमान जी हैं, उनको तो कोई कोई पूछेगा, वो तो बोल नहीं सकते किसी से कि मुझे खाना दो, वो तो बेजुबान हैं, उनकी आवाज़ को हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जब चिल्लाते थे तो महसूस होता था कि कुछ है, तो मैं ऐसा किया मैं। अच्छा, तो अभी आगे का आपका क्या विचार है कि अगर जैसे लॉकडाउन अगर आगे बढ़ा, अब तो धीरे धीरे लॉकडाउन अगर आगे बढ़ेगा अभी तो मैं करूँगा मैम, इसका लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वेतन का भी पैसा अगर पूरा लगता है तो भी मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, और सर ये बताइए कि आपकी ड्यूटी, आप यहाँ कितने साल से पदस्थ? मैं यहाँ पर साल भर हो गया मुझे पदस्थ हुए, पहले मैं इससे पहले उड़गी थाना में था, इसके बाद मैं चौकी कुदरगढ़ में आया, वहाँ से ड्यूटी करने आया था यहाँ पर लॉकडाउन में, अगले लॉकडाउन में। फिर माई का ऐसा आदेश हुआ कि चौकी कुदरगढ़ में आ गया मैं। आपकी बात से ऐसा लग रहा है सर कि आप बहुत भावुक इंसान भी हैं और दिल से जो आप कर रहे हैं वो मतलब सबके बस की बात नहीं है, सबके अंदर ऐसा चीज नहीं आता है कि वो इस तरीके से सेवा करते हैं, वो जानवरों का पीड़ा समझते हैं। ये आपके अंदर की जो भावना है हम उसका और हमारी टीम पूरा सम्मान करते हैं आपकी उस भावना का। अब सर जब से आपने खाना खिलाना चालू किया है बंदरों को, उसके बाद उनकी क्या स्थिति है? बहुत अच्छे हो गए हैं मैम, अभी तो बंदर पूरे अच्छे हो गए हैं एकदम, अब रोते नहीं है? नहीं, अब रोते नहीं है, अब उनको भरपूर खाना मिलता है। अच्छा, और यात्री चालू हो जाएंगे तब तो उनको खाना मिलेगा, बीच बीच में मैं भी देते रहूंगा, वो तो मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक उनका सहयोग में लगे रहूंगा, उनका सेवा करते रहूंगा। अच्छा, तो आप हमारी जो दर्शक हैं संदेश कोई उनके लिए छोड़ना चाहते हैं? जी, माई का दरबार है, यहाँ सबके लिए है, अगर बंदर लॉकडाउन होता है तो सभी से मैं यही कहूँगा कि सब कोई जो जिससे जितना बन सकता है उतना का फल फूल जो भी हो उसको ला के यहाँ पर खिलाए उनको, ताकि उनके तरफ भी सहयोग हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ जो आरक्षक के पद पे हैं उनसे, जिनका नाम राजेश कुमार पटेल जी है, और इनके अंदर की जो भावना है हम उनका सम्मान करते हैं।